सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ वरुण कौर मान, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। खबरां दे इस बुलेटिन दे स्पॉन्सर हन रियल एस्टेट ब्रोकर्स मोहन चीमा, रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्या परमन्या नाम। पेश ने पहला चुनवियां खबरां। कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो विखे भारत विच किसान मोर्चे दे हक विच अते काले कानून रद्द करवाउण लई एक विशाल रैली का आयोजन। FDA ने अमरीका विच मोडरना टीके नूं दित्ती करोना टीकाकरण लई मंजूरी। अमरीका दे 60 संसद मैंबरी इक समूह ने नवे चुने राष्ट्रपति जो बाइडन नूं वीजे दे संबंध च ट्रंप प्रशासन दीआं नीतियां नूं बदलण दी कीती अपील। न्यूयॉर्क च बर्फ हेठ 10 घंटे फसिया रहा 58 साल बुजुर्ग। अलबामा दे वेस्ट वाटर प्लांट च फड़ी गैर कानूनी शराब दी फैक्टरी। फर्जीनो सड़क हादसे दौरान हुई दो लोगों की मौत। PR मिलने तो एक दिन बाद प्रागपुर के नौजवान की कनेडा च सड़क हादसे विच मौत। हुण खबरां विस्तार नाल। कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो विखे भारत विच किसान मोर्चे के हक विच अते काले कानून रद्द करवाने लई एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तो शुरू हुई यह रैली कैलिफोर्निया की राजधानी तक पहुंची। इस कार रैली विच हजारों की गिनती च लोग शामिल होए। बच्चे, बुढ़े, जवान, औरतां बद चढ़ के इस रैली का हिस्सा बने। पहला कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट विच विशाल इकट्ठ होया। इत्थे किसानों के हक विच चढ़दी कला लई अरदास कीती गई। वख-वख बुलारियां ने आपो अपने विचार रखे, जिस दौरान उन्हां भारत सरकार नूं किसानां दे विरोध विच बनाए गए 3 काले कानूनां नूं वापस लैण दी अपील कीती। इस दौरान धरनियां ते बैठे किसानां दी शलाघा कीती गई। आगूआं दा कहना सी कि किसान अपने कारोबार छड्ड के अपने घरां तों सैकड़े मील अत दी ठंड विच सड़कां ते बैठ के अपनियां मंगां मनवाउण लई सड़कां ते बैठे हन। सैक्रामेंटो रैली विच लोकां ने किसानां दे हक विच बैनर चुके हुए सन, जिन्हां उत्ते किसानां दे हक विच स्लोगन लिखे हुए सन। रैली विच लोग ट्रैक्टर, कारां, ट्रकां, बसां, मोटरसाइकलां ते पहुंचे। ये रैली लगभग 3 मील लंबी सी। पुलिस वल्लों रैली नूं कंट्रोल करन लई बंदोबस्त कीते हुए सन। इस मौके ते एल्क ग्रोव सिटी दे मेयर बॉबी सिंह एलन विशेष तौर ते पहुंचे। मैं ही हां बॉबी सिंह एलन, एल्क ग्रोव दी मेयर। मैं अज इत्थे आई हुई हां सैक्रामेंटो स्टेट दे विच। साडी कम्युनिटी इत्थे सारे इकट्ठी मिल के असीं अपने दिखाणी आ कि असीं सपोर्ट करदे हां अपने फार्मर्स लई। इंडिया दे विच जो बेचारे सड़कां ते तुर रहे हैगे आ, गवर्नमेंट लई गवर्नमेंट दे नाल उसे नेगोशिएट करना चाहुंदे आ कि जो कुछ हो रहा हैगे आ, जिहड़े उन्होंने 3 लॉज उत्थे पास कीते हुए आ साडे फार्मर्स दे खिलाफ हैगे आ। तां तुहानूं सारिआं नूं पता कि जो साडी जड़ां हैगीआं आ फार्मिंग दे विच आ, तां साडी बेनती हैगी आ कि इंडियन गवर्नमेंट साडे फार्मर्स दे नाल नेगोशिएट करन। पिछले हफ्ते मैं इंडियन अम्बैसडर नूं चिट्ठी भेजी हुई सीगी स्ट्रोंग सपोर्ट दिखाउण लई कि मैं पंजाबन हैगी हां, तां मैं अपने जिहड़े हैगे आ फार्मर्स दे नाल हैगी हां, तां बेनती करदी हैगी हां कि जिहड़ी गवर्नमेंट नेगोशिएट करन साडे फार्मर्स दे नाल। सो सारिआं दे नाल रल मिल के असीं सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैगे आ अज। संयुक्त राज अमरीका दे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 साल अते इस तो बाद उम्र दे लोकां लई दूजे COVID-19 टीके दी वरतों करन तों अधिकारत तौर ते मंजूरी दे दित्ती है, जिस नाल कुछ दिनां दे अंदर ही वायरस नूं काबू करन दे मकसद नाल हस्पतालां अते नर्सिंग होमां विच लखां होर टीके दीआं खुराकां नूं भेजिआ जावेगा। इस दी मंजूरी दा ऐलान सरकार पैनल द्वारा टीके नूं अधिकारत करन दी सिफारिश करन दे बाद कीता गिआ। मॉडर्ना कंपनी दा इह टीका वी फाइजर दी तरां सुरक्षित अते बहुत प्रभावशाली मन्निआ जांदा है। कंपनी माहिरां अनुसार तकरीबन 30,000 वलंटियरां दे परीक्षण तों बाद मॉडर्ना ने इस टीके नूं COVID-19 बीमारी नूं रोकण लई 94% असरदार दस्या है। FDA कमिश्नर डॉक्टर स्टीफन एम हॉर्न अनुसार अमरीका लई वायरस संबंधी एक होर टीके नूं मिली मंजूरी कोरोना वायरस दे इलाज वल्लों पुट्टिया एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्ना कंपनी दा इह टीका नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी अते छूत दीआं बीमारियां दी सहायता नाल डॉक्टर एंथनी फोकी दी अगवाई विच विकसित कीता गया है अते डॉक्टर एंथनी ने दोवां टीकियां दी तकनोलॉजी नूं एक समान दस्या है। मॉडर्ना दीआं 5.9 मिलियन टीके दीआं खुराकां फाइजर बायोनटिक द्वारा प्रदान कीतीआं गईआं। 6.4 मिलियन खुराकां तों अलग होणगीआं, जिस नाल कि ज़्यादा लोकां नूं टीका लगाया जा सकेगा। अमरीका दे 60 संसदी मैंबरी इक समूह ने नवे चुने राष्ट्रपति जो बाइडन नूं वीजा दे
संबंध च ट्रंप प्रशासन दी नीतियां नूं बदलण दी अपील कीती है। उन्हां H-4 वीजा प्राप्त लोकां दे दस्तावेजां दी वैधता दी समां सीमा बढ़ाउण दी अपील कीती है। इह वीजा H-1B वीजा धारकां दे जीवन साथियां लई जारी कीता जांदा है। H-4 वीजा धारकां च ज्यादातर उच्च हुनर वालियां भारतीय औरतां शामिल हन। अमरीकी नागरिकता अते इमीग्रेशन सेवावां विभाग द्वारा H-4 वीजा H-1 वीजा धारकां दे परिवारां दे मैंबरां H-1 वीजा धारकां च ज्यादातर भारती IT पेशेवर हन। वाशिंगटन दी मेयर दे दफ्तर ने शुक्रवार नूं इह जानकारी दित्ती। दफ्तर ने कहा कि अज मेयर म्यूरियल वाउजर ने बुधवार तो वीरवार तक 23 दिसंबर 2020 तो 15 जनवरी 2021 तक जिले विच वख-वख गतिविधियां नूं रोकण लई हुक्म जारी कीता है। इस दे इलावा वाशिंगटन DC दे एमरजेंसी ते जनतक सेहत एमरजेंसी दी स्थिति दा 31 मार्च 2021 तक विस्थार कीता गया है। इस दे नाल मेयर ने निवासियां नूं अगलियां छुट्टियां दौरान सावधानियां बरतण दी अपील कीती है। जिक्र योग है कि अमरीका विच कोरोना वायरस दे सब तों वध मामले दर्ज होए हन। इस दे नाल ही कोरोना कारण सब तों वध मौतां भी अमरीका विच होईयां हन। अमरीका दे नवे चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस दे कम्युनिकेशन अते प्रेस स्टाफ दे एडिशनल मैंबरां दे नावां दा शनिवार ऐलान कीता। इस विच भारतीय अमरीकी वेदांत पटेल नूं सहायक प्रेस सकत्तर नामजद कीता गया। पटेल फिलहाल बाइडन दी उद्घाटन कमेटी दे सीनियर बुलारे हन। बाइडन दी इस संबंधी इक मुहिम दा ओह हिस्सा बन रहे हन। उक्त मुहिम विच उन्हां खेतरी डायलॉग निर्देशक वजों अपनियां सेवावां दित्तियां सन। इस तों पहलां ओह भारतीय अमरीकी कांग्रेस दी मैंबर प्रोमिला जयपाल दे डायलॉग निर्देशक वजों काम कर चुके हन। पटेल दा जन्म भारत दे गुजरात सूबे विच होया सी। उन्हां दा कैलिफोर्निया विच पालन पोषण होया। पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ रिवरसाइड अते यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा तों ग्रैजुएट हन। रूस च पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन दे 28,290 मामले सामने आउण नाल कुल इन्फेक्टडां दी गिनती वध के 28,19,429 हो गई है। इस दौरान कोविड-19 दे 585 मरीजां दी मौत होण नाल इस महामारी नाल मरण वालियां दी गिनती 50,000 नूं पार करके 50,347 हो गई। रूस दे कोरोना वायरस प्रतिक्रिया केंद्र ने शनिवार नूं इक बयान जारी करके ए जानकारी दित्ती। बयान मुताबक रूस दे 85 खेतरां च पिछले 24 घंटे च कोरोना दे 28,209 नवे मामले दर्ज कीते गए, जिन्हां चों 5,310 लोकां च कोरोना वायरस दा कोई भी लक्षण सामने नहीं आया। इन्हां नवे मामलियां दे सामने आउण तों बाद देश च कोरोना इन्फेक्टडां दी गिणती हुण 28,19,429 हो गई अते रोजाना 1% दी दर नाल मामले वध रहे हन। अमरीका दे न्यूयॉर्क शहर विच भारी बर्फबारी ने जनजीवन नूं प्रभावित कीता है। इस बर्फीले तूफान ने सड़कां उपर बर्फ दी मोटी चादर विछा के आवाजाई नूं भी बंद करन लई मजबूर कीता। इसे भारी बर्फबारी दौरान पुलिस ने वीरवार नूं न्यूयॉर्क विच 10 घंटे तों बर्फ हेठ कार विच फसे हुए 58 साल व्यक्ति नूं बचाया है। न्यूयॉर्क पुलिस दे इक बयान अनुसार कोविन क्रोसन, जो न्यूयॉर्क दे कंडेर दा रहण वाला है, ने बुधवार रात नूं बर्फबारी दौरान सड़क ते अपनी कार विच फसण तों बाद कई वार 911 ते संपर्क कीता। इस दौरान अधिकारी शुरुआती तौर ते भारी बर्फ पैण करके वाहन का पता लगाउण विच नाकामयाब होए, पर बाद विच जदों जॉन सार्जेंट जेसन कावले उवेग द्वारा कस्बे विच मेल वॉक्सां दी कलड़ी दे पते दी जांच करन समय बर्फ दी खुदाई दौरान इक कार दे शीशे नूं वज्जी टक्कर नाल क्रेसन दी जानकारी मिली। इस दौरान क्रेसन ने पुलिस नूं दस्सिया कि बर्फबारी ने उसदी कार नूं करीब 4 फुट तक बर्फ हेठां दब दित्ता सी अते ओह लगभग 10 घंटे तों बिना हीट दे वध समय लई कार विच ही फसिया होया। इस घटना नाल क्रेसन दे जबरदस्त ठंड तों पीड़ित कारण अधिकारियों वालों इलाज लई नेड़ले बिगमैंटन दे लॉडरस हस्पताल लिजाया गया। मौसम विज्ञानियों अनुसार ओवेरी दे आसपास दा इलाका तूफान नाल सब तों वध प्रभावित होया अते इस खेतर ने 40 इंच तों ज़्यादा बर्फ नाल रिकॉर्ड तोड़े हन। इस दे इलावा सूबे विच पुलिस ने तूफान दे बाद 600 तों वध हादसियां नूं दर्ज कीता, जिस नाल घट्टो घट 5 लोकां दी मौत भी हुई है। देश च गैर कानूनी नशियां दे खिलाफ चलाई मुहिम च पुलिस नूं अलबामा च इक शराब फैक्टरी नूं जब्त करन च सफलता प्राप्त हुई है। डिकलॉब काउंटी शैरिफ दे दफ्तर अनुसार पुलिस अधिकारियों ने उत्तर पूर्व अलबामा दे रिन्सवेले च म्यूनसिपैलिटी दे इक गंदे पानी दे प्लांट च लंबे समय तों चल रही गैर कानूनी शराब दी फैक्टरी दा पर्दाफाश कीता है। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंधी मिली सूचना दे आधार ते वीरवार वाले दिन तकरीबन 3 बजे कार्रवाई करदिया इस प्लांट चो वड्डी मात्रा च नजायज शराब बरामद कीती है। पुलिस ने फिलहाल वाइन बनाउण वालियां दा नां जारी नहीं कीते हन, पर जांचकर्तावां अनुसार इह गतिविधि च
रेन्सविले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ म्यूनसिपल कर्मचारी शामिल सन। इस ऑपरेशन दौरान अधिकारियों के प्लांट पहुंचने तो बाद मेयर लिंगरफालट द्वारा अगली कार्रवाई करने की इजाजत दी गई है। इस कार्रवाई के संबंध में डेक्लॉब काउंटी शेरिफ निक वेल्डेन ने एक बयान कहा है कि यह काउंटी का संभव तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन है। इसके अलावा विभाग अनुसार इस फैक्ट्री चो शराब दिया बोतलों और बाल्टियां के भंडार के नाल वाइन बनाने लिए लोड़ींदा समान भी जब्त किया गया और दोषियों पर कार्रवाई करने की उम्मीद नाल अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच जारी है। फर्जीनो के दक्षण च हाईवे 41 ते शुक्रवार रात नूं होए एक कार हादसे च दो व्यक्तियों की मौत हो गई। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल दे सार्जेंट जोसफ वियांशी अनुसार यह हादसा शाम 5:30 बजे तो पहला विटनी एवेन्यू रिवरेल नेड़े वापरिया है। इस हादसे की जानकारी दिंदिया अधिकारियों ने दसिया कि इस हादसे दौरान चौंक च लाल बत्ती होण ते ट्रैफिक रोकण तो बाद उत्तर दिशा वल जाण वाली एक BMW कार एक होर कार नाल टकराई, जिस दे नतीजे वजो एक तीजी कार की भी इन्हां नाल टक्कर हो गई। इस हादसे की वजह नाल अपनी उम्र के 50 दहाके च एक महिला ते आदमी की मौत हो गई, जबकि BMW दे चालक ते तीजी गड्डी च सवार व्यक्तियां जो किसी दे जख्मी होण दा समाचार नहीं है। डेराबसी के पिंड परागपुरा के नौजवान की कनेडा के शहर स्कैच फॉरेस्ट के सस्कातून खेतर च वापरे सड़क हादसे च गुरजीत सिंह पुत्र मित्रपाल सिंह की मौत हो गई। वह अपनी भैन का इकलौता भरा सी जो 4 साल पहला कनेडा गया, वह हले कुआरा सी। हादसे की जानकारी दिंदिया पिता मित्रपाल सिंह ने दसिया कि गुरजीत सिंह 1 नवंबर नूं ड्यूटी तो वापस आ रहा सी तां एक सामने तो आ रही कार ने उसकी कार नाल जोरदार टक्कर मार दिती। पिछे तो आ रही 2 कारां भी उसकी कार नाल टकरा गई। गंभीर सट्टां लगन कारण उसनूं एयर एंबूलेंस राही हस्पताल लिजाया गया, जिते डॉक्टरां ने उसनूं मृतक करार दे दिता। उसकी देह नूं अज कनेडा तो उसके जद्दी पिंड परागपुरा लिया गया, जिते उसका अंतम संस्कार किया गया। पिता ने दसिया कि उसकी वड्डी पुत्री तो छोटा पुत्र गुरजीत सिंह 4 साल पहला नॉन मैडिकल विच 12वीं पास करन मगरों कनेडा की पढ़ाई ले गया सी। उसने उत्थे कंप्यूटर का कोर्स किया, हुण ओह कोरियर कंपनी की कार चलाउंदा सी। 3 नवंबर नूं उसनूं PR मिलण ते परिवार समेत सारे रिश्तेदारां विच खुशी दा माहौल सी। गुरजीत दी मौत मगरों उहनां दे परिवार ते दुखां दा पहाड़ टुट गया। उसकी लाश नूं जद्दी पिंड लियाउण लई हलका विधायक NK शर्मा ने कनेडा दे MP सुखतालीवाल नाल संपर्क करके सहयोग दिता। लाश शुक्रवार नूं पहलां दिल्ली एयरपोर्ट अते अज चंडीगढ़ करीब 11 बजे एयरपोर्ट पहुंची, जिसका परिवार ने दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार किया। किसानों के चल रहे अंदोलन के विचकार अज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरद्वारा साहिब विखे नतमस्तक हुए। नरेंद्र मोदी ने अपनी तस्वीर अपने सोशल मीडिया उपर शेयर कीतिया, जिस तो बाद काफ़ी लोगों ने प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में लिया। थानू दस दें कि दिल्ली में पिछले 25 दिनों तो किसान अपने हकों धरनों उपर बैठे हुए हैं, पर प्रधानमंत्री को बोलने लबद नहीं हैं। पंजाबी भाईचारा देशों विदेशों में बैठा इस शांतमई धरने विच केंद्र सरकार तो बस इको उम्मीद कर रहा है कि बिलां नूं रद्द किया जाए। दुनिया भर में वैक्सीन के ट्रायल दे विच भी करोना का कहर कई देशों में जारी है। इस विच ब्रिटेन तो एक चिंताजनक खबर सामने आई है। इत्थे करोना वायरस के एक नवे प्रकार की पछाण की गई है। ब्रिटेन के दक्षण पूर्व इलाकों में काफ़ी तेजी नाल फैल रहा है। असल विच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के सेहत सकत्र मैट हिंकॉक ने कहा है कि देश विच करोना वायरस दे एक नवे प्रकार की पछाण की गई है, जो ब्रिटेन दे दक्षण पूर्व इलाकों विच काफ़ी तेजी नाल फैल रहा है। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स विच कहा कि करोना वायरस दे नवे प्रकार दे हुण तक 1000 तो वध मामले सामने आ चुके हैं। मेट हेंकॉक ने दसिया कि वर्तमान विच मौजूद करोना वायरस स्ट्रेन दे मुकाबले काफ़ी तेजी नाल फैल रहा है, भावे कि उन्होंने कहा कि फिलहाल साडे कोल अजिहे कोई सबूत नहीं कि करोना वायरस दे इस नवे प्रकार ते वैक्सीन का कोई असर पवेगा। इसका पहला मामला बीते हफ्ते कैंट विच सामने आया। ब्रिटेन के मुख्य मैडिकल अधिकारी ने शनिवार को पुष्टि की कि देश विच सामने आया एक नवा करोना वायरस तेजी नाल फैल सकता है। ब्रिटेन ने इस संबंध विच विश्व सेहत संगठन नू जानकारी भी दिती है। ब्रिटेन के विज्ञानी यह भी पता लगवाउण की कोशिश कर रहे हैं कि हाल ही विच करोना मरीजा विच वाधा किते इस नवे प्रकार के वायरस नाल तां नहीं होया है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंडन कुछ होर थावां ते चौथे पड़ा दियां सख्त पाबंदियां लागू करन दी घोषणा कीती है। बोरिस जॉनसन ने स्पष्ट कीता कि देश विच त्योहारां दा मौसम इस बार पहलां नालों वक्खरा होवेगा। उन्होंने कहा कि पहलां जिहड़ी योजना बनाई गई सी उस मुताबक इस बार असीं क्रिसमस नहीं मना सकते हाँ।